हेलो दोस्तों, आज हमने स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड को सिलेक्ट किया है, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनी है और ये ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है। तो सबसे पहले हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे और आगे हम बात करेंगे कि इसमें प्रोमोटर्स क्या कर रहे हैं, FIIs क्या कर रहे हैं और DIIs क्या कर रहे हैं, और इसका लास्ट में हम इसका लेवल भी निकालने की फाइंड आउट करेंगे चार्ट पे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों 49% थी, 48, 47, 47 एंड 47.9। तो लगभग पिछले दिसंबर 2019 से उसके पीछे जाएंगे तो 47.9% तक की होल्डिंग है। तो रिसेंटली यहाँ पे थोड़ा सा कुछ सालों में प्रोमोटर्स ने इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न डिक्रीज की है, बहुत ही माइन्यूट सी, तो देखते हैं। और उसके बाद में अभी दिसंबर 2019 तक इसकी जो होल्डिंग थी 47.91% की होल्डिंग थी, जो लास्ट क्वार्टर में भी सेम थी। तो रिसेंटली प्रोमोटर की होल्डिंग सेम है। उसके बाद में पब्लिक में जो FIIs एंड FPI की शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इसमें हम देखेंगे कि पिछले कुछ क्वार्टर में आप देखेंगे लगभग यहाँ से, यानी कि मार्च 2019 से लेके दिसंबर 2019 तक इन चार क्वार्टरों में प्रोमोटर्स ने सॉरी FIIs ने अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है। 10% से लेके 14% तक अपनी होल्डिंग को इन्होंने इंक्रीज किया है FIIs ने, जो कि एक पॉजिटिव बात है। उसके बाद में देख लेते हैं DIIs क्या कर रहे हैं। DIIs ने दोस्तों पिछले 2 क्वार्टर में इसने थोड़ी सी माइन्यूट सी अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। पहले थी इसकी 22.96%, 22.96% एंड उसके बाद में दिसंबर 2019 में 22.13% उसकी होल्डिंग हो गई, जो कि थोड़ा सा निगेटिव है इसके लिए। बट इसमें एक पॉजिटिव बात है जो इस लेटेस्ट क्वार्टर में मैं आपको दिखाऊंगा। इस क्वार्टर में इन्होंने क्या किया है, श्याम सी रमन जी ने इसके 43,432 शेयर्स को बाई किया है, और ये इन्होंने ट्रांजैक्शन कंप्लीट की है 6 अप्रैल 2020 को। तो आप देखिए लगभग 43,000 शेयरों का यहाँ पे बाई हुआ है, और इन्होंने ये ट्रांजेक्शन टाइप ई शॉप के थ्रू बाई किया। मतलब ई शॉप का मतलब ये होता है कि इम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान, इसके तहत इन्होंने 43,000 शेयरों का बाई किया है, और ये बाइंग जो है इन्होंने 6 अप्रैल को कंप्लीट किया है। तो ये दोस्तों एक पॉजिटिव बात है। तो DIIs की यहाँ पे निगेटिविटी को ना ध्यान में रखते हुए, जो रिसेंटली इनके एम्प्लॉय के तहत जो एम्प्लॉय की इस ओनरशिप स्कीम है या जो प्लान है, उसके तहत जो है एक डेजिग्नेटेड पर्सन ने इन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, तो ये मुझे एक पॉजिटिव साइन लगता है रिसेंटली इस कंपनी में। तो टोटल जो है इनके पास में अब करंट होल्डिंग हो गई है 1,37,134 शेयर की, इनकी करंट होल्डिंग हो गई है इतने शेयर को बाई करने के बाद में। तो फर्दर चलते हैं, तो इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। लेटेस्ट जो हैपनिंग हुई है उसको ज़्यादा कंसिडर करेंगे हम लोग। उसके बाद में हम इसके शेयर होल्डर्स को देख लेते हैं कि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं। HDFC जो म्यूचुअल फंड है, इनके पास में इसकी 8.23% की होल्डिंग है। उसके बाद में आप देखेंगे SBI के पास में भी इनके पास 3% की होल्डिंग है। रिलायंस कैपिटल के पास में भी आप देखेंगे 2.3% की होल्डिंग है। L&T म्यूचुअल फंड की अगर आप देखेंगे तो 1.8387% की होल्डिंग है। टोयोटा टीसू सो के पास में इनके इनकी जो है 1.44% की होल्डिंग है। उसके बाद में आप देखते रहेंगे तो लगभग 1.3, उसके बाद में फर्स्ट स्टेट इन्वेस्टमेंट के पास में 1.2%। DSB स्मॉल कैप फंड, DSB एक अच्छा खासा म्यूचुअल मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी मानी जाती है, एमसी मानी जाती है, जिसने पिछले आप 2-3 साल पहले देखेंगे DSB स्मॉल कैप फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था जब स्मॉल कैप चल रहे थे। 2018 के बाद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 2018 से पहले अगर आप बात करेंगे तो DSB स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो इनके पास में इनकी 1.2% की होल्डिंग है, उसके बाद में इनके पास 1.16% की होल्डिंग है, और वही इमर्जिंग इंडिया मास्टर फंड के पास में भी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने भी अच्छा खासा एक्सपोजर बना रखा है इस कंपनी में, तो इसको भी जरूर दोस्तों अपने ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मैं आपको टेक्निकल दिखा दूँ। टेक्निकल लगभग 2 सालों में लगभग इसने 46% का रिटर्न दिया है,
और 1 ईयर में इसका 10% निगेटिव रिटर्न है। अगर आप 6 महीने का देखेंगे तो लगभग 6% का निगेटिव रिटर्न है। 3 महीने में आप देखेंगे तो 35% का निगेटिव रिटर्न है। 1 महीने में अगर आप देखेंगे तो 24% का निगेटिव रिटर्न है। 1 वीक का देखेंगे तो दोस्तों 8% प्लस का पॉजिटिव रिटर्न है, और 1 डे का देखेंगे तो 6% पॉजिटिव रिटर्न है। तो ये इसकी परफॉर्मेंस है। उसके बाद में हम इसका डिलीवरी परसेंटेज भी देख लेंगे। तो डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे, ट्रेडेड वॉल्यूम थोड़ा कम है, बट इसमें डिलीवरी परसेंटेज लगभग 60%, 65%, 70%, 61%, 46%, 80% इस तरीके की डिलीवरी परसेंट, यानी डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छी खासी बन रही है इस स्टॉक में। तो ये तो हमने इसका मोटा मोटा एक ओवरव्यू ले लिया है समझने के लिए कंपनी को। उसके बाद में हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी दिखा दें। इसमें अगर हम देखेंगे, अगर हम इसको हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है, जिसमें हमारे टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स रहते हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबे समय तक हमें स्टॉक को होल्ड नहीं करना है। टारगेट या स्टॉप लॉस जो भी लगेगा, हिट करेगा, हम स्टॉक्स में से निकल जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो करंट प्राइस जो है इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे चल रहा है। गुड और रिटर्न और एफडी का रिटर्न हम इसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखना है। डिविडेंड पे भी हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखना है। एंट्री पॉइंट हमारे लिए गुड है और कोई भी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो ये पाँचों पॉइंट मिला के मुझे लग रहा है कि हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये अभी रिसेंटली हमारे लिए ओके है। उसके बाद में हम आपको टेक्निकल पे लेके चलते हैं। टेक्निकल में हमने यहाँ पे कुछ कुछ पैरामीटर ड्रॉ किए हैं, जिसमें से आप एक ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन और रेड लाइन देख रहे हैं। तो जैसा कि मेरा मानना है दोस्तों, आज की डेट में ये 17 अप्रैल 2020 की डेट में आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो लगभग इसका 340 का क्लोजिंग प्राइस है। तो जैसा कि मैंने इस स्टॉक पे काफ़ी अच्छे तरीके से इस पे मैंने रिसर्च की है, तो मुझे ये लगता है अगर ये लेवल 350 का अगर क्रॉस करेगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, अगर ये कंपनी जो है 350 का लेवल क्रॉस करती है, तो इसमें एक अच्छा अप मूव देखने को मिलेगा। वो अप मूव जो है लगभग 420 तक जा सकता है, ऐसा ये मेरा मानना है। उसके बाद में अगर ये इस लेवल क्रॉस नहीं करता है और स्टॉक नीचे चले जाता है, तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, फिर इसको इग्नोर कर देना है। फिर हमारी जो भी एनालिसिस है, पिछली फंडामेंटल एनालिसिस है, उसको फिर हम छोड़ देंगे। बट ये लेवल, टेक्निकल लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी भी स्टॉक में अप मूव या डाउन मूव देने में, ठीक है। तो यहाँ पे आरएसआई लगभग 40 के ऊपर क्रॉस हो रहा है, और एमएसईडी का भी क्रॉस ओवर हो चुका है। तो अब थोड़ा फर्दर हमें अप मूव मिलेगा इस स्टॉक में, वो 350 के ऊपर ही मिलेगा। जो यहाँ पे ये लाइन जो है 350 ब्लू लाइन, ये थोड़ा यहाँ पे हर्डल का रोल प्ले करेगी। अगर 350 क्रॉस करता है तो इसमें टारगेट रहेंगे 420 के, और उसके बाद में ये लेवल क्रॉस हो जाने के बाद में अगर स्टॉक नीचे आता है, तो हम 315 का स्टॉप लॉस लगा के इस कंपनी में हम फर्दर टारगेट लेके चल सकते हैं। तो लगभग इसमें हम देखेंगे 315 लगभग 10% के आसपास इसका इसमें स्टॉप लॉस है, लगभग 20% का इसमें टारगेट हमें मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसी मैंने एनालिसिस की है इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों इसको अपने रडार में रखिएगा, अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा। मेरे कहने पे आप किसी भी कंपनी में इस तरीके के ब्लाइंडली आप फॉलो करके आप निवेश करना मत स्टार्ट कर दीजिए। आप अपनी खुद भी रिसर्च कीजिए, और सबसे पहले आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, जहाँ कि आपको समझ में आए कि मैं अपनी वीडियो में क्या समझाता हूँ और क्या समझाने की कोशिश करता हूँ, और उससे मुझे क्या बेनिफिट हो सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको समझना चाहिए दोस्तों। तो इस तरीके की वीडियो आपके साथ में शेयर करता रहूँगा, और ऐसी वीडियो आप अपडेट लगातार चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मैं इस तरीके के एनालिसिस पोस्ट करता रहता हूँ। और अगर आप बेल बटन भी दबा देंगे तो आपको मेरी वीडियो लगातार मिलती रहेंगी, जैसे जैसे अपनी मैं रिसर्च आपके साथ में शेयर करता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई रिसर्च के साथ में, नए स्टॉक के साथ में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।